हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल एंड आई वेलकम यू ऑल टू कैस्ट्रोलॉजी। आज बात कर रहे हैं उन टैरो कार्ड रीडिंग और एंजल रीडिंग के लिए जो कि रीडिंग्स मेरे पास 10th ऑफ सितंबर से लेकर 25th ऑफ सितंबर तक रहेंगी। ये श्राद्ध का पीरियड है और इस टाइम हम फुल मून से लेकर न्यू मून तक की रीडिंग्स देख रहे हैं। तो देख लेते हैं कि एंजल्स इस बार मुझे क्या गाइडेंस दे रही हैं। यहाँ मैं कार्ड्स को ब्लेस करते हुए और अब आपको दिखाऊंगी कि इस बार हमें गाइडेंस क्या मिली है। सो द फर्स्ट कार्ड इज़ फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेकंड कार्ड इज़ द सन, थर्ड कार्ड इज़ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फोर्थ कार्ड इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड फिफ्थ कार्ड इज़ द एम्प्रेस। फोर ऑफ सॉर्ड्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स इज़ दैट अभी तक यू वर वेरी रेस्टलेस, यू वर कट ऑफ फ्रॉम द एक्चुअल वर्ल्ड, फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड, और आप अपने अंदर कहीं किसी आइसोलेशन में थे। नाउ अवेकनिंग इज़ गोइंग टू हैपन। इट कैन अफेक्ट योर हेल्थ। आप इस चीज़ से बाहर निकलिए और अपने इस फिजिकल वर्ल्ड से, अपने फैमिली से दोबारा कनेक्ट होइए। अपने जॉब पे ध्यान दीजिए, अपने बिजनेस पे ध्यान दीजिए। दिस इज़ द टाइम टू वेक अप। द सेकेंड कार्ड इज़ द सन, मेजर आर्काना का सन कार्ड विच इज़ रिवर्स्ड। सो इट मीन्स दैट अब आपको अपने मन वाले छोटे बच्चे को बाहर लेके आना है। यू नीड टू आउट शाइन। कहीं ना कहीं आपको कोई स्ट्रगल दिख रही थी, उस स्ट्रगल को एक एडल्ट की तरह सोचने के बजाय एक बच्चा बन के सोचिए। दिस इज़ अ वेरी टेम्पररी फेस, बहुत जल्दी निकल जाएगा। बस ये इंडिकेट हो रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम या एफर्ट लग सकता है, बट यू विल कम आउट शाइनिंग दिस वॉट एवर स्ट्रगल यू आर गोइंग थ्रू। सो उस चीज़ को करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस, थोड़े से एफर्ट्स और थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। नाउ आई हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ एन अपराइट कार्ड। अपराइट नाइट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हार्ड वर्क, रूटीन और प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वॉट इज़ एक्चुअली डिपिक्टेड बाय द सन कार्ड ऑल्सो, कि हमें अपने रूटीन में वापस आना है, हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर हम अपने वर्क को मेथडिकली करेंगे, मोस्ट प्लान्ड वे में करेंगे और जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे, रिगार्डलेस कि वो कितना भी आपके मोनोटनी फील हो, कितना भी आपको बोर्डम फील हो, लेकिन अगर आप एक ही जगह पे लगे रहेंगे, हार्ड वर्क करते रहेंगे, एफर्ट्स डालते रहेंगे, तो कोई भी आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता है। देन वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ रिवर्स्ड कार्ड। इट शोज़ कि अभी आपको हाल फिलहाल में कोई ना कोई फाइनेंशियल फेलियर हुआ है, मे बी सम फाइनेंशियल सेटबैक हैज़ हैपेंड, और या फिर सम चैलेंजेस आर देयर। सो अगर आप इन सब चीज़ों को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो आप अपने रूटीन लाइफ में वापस नहीं आ पाएंगे। दिस कार्ड एक्चुअली सेज़ कि आपको अपनी लाइफ में किसी भी लग्जरी में इन्वॉल्व नहीं होना है। दिस इज़ द लेसन एक्चुअली विच यू शुड हैव लर्न बाय नाउ, कि लाइफ में लग्जरीज में इन्वॉल्व होने के बजाय यू शुड रादर लिव अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ विच इज़ सराउंडेड बाय योर फैमिली, विच इज़ सराउंडेड बाय योर किड्स, विच इज़ सराउंडेड बाय योर लव्ड वंस। सो उस चीज़ पे ध्यान देते हुए कट ऑफ ऑल द लग्जरीज इन योर लाइफ एंड लिव अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ। नाउ आई हैव द एम्प्रेस कार्ड, मेजर आर्काना का एम्प्रेस कार्ड जो कि अपराइट आया है। इट मीन्स आई नीड टू कनेक्ट विद द फेमिनिन पार्ट ऑफ माई लाइफ। क्रिएटिविटी से जुड़ो, ब्यूटी से जुड़ो, एक्सप्रेशन से जुड़ो, बी काइंड टू योर सेल्फ, बी क्रिएटिव। तो कुछ भी चीज़ जो आपको आपके लाइफ में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इट इज़ बॉदरिंग यू, इट इज़ एक्चुअली टेकिंग अ टोल ऑन यू, आपको उसको अपनी क्रिएटिविटी से सॉल्व करना है। और इसके अलावा ये उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट कार्ड है जो फीमेल्स इस टाइम कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं, और दे हैव एक्चुअली कंसीव्ड। उनके लिए एक बहुत ही अच्छा पीरियड है। इट इज़ आल्सो डिपिक्टिंग बर्थ ऑफ इधर अ न्यू आइडिया और अ न्यू प्रोजेक्ट और अ बिजनेस, समथिंग न्यू इज़ गोइंग टू हैपन। सो इस टाइम पीरियड का बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाइए, सारी प्लानिंग अभी कर लीजिए। और जब भी नवरात्र शुरू होंगे आफ्टर द न्यू मून, मतलब 26th ऑफ सितंबर से, आप उसको पूरा कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस बार हमें एंजल्स क्या गाइड कर रही हैं फॉर अ येस और अ नो।
तो आप अपना मन में क्वेश्चन सोच लीजिए कि उसका आंसर यस होगा या नो होगा। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका आंसर है अ यस। ऑल्दो मेरे पास ये कार्ड रिवर्स्ड है, बट दिस इज़ अ सिंपल यस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर योर क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं इस बार की हमारे पास एंजल गाइडेंस क्या है। एंजल गाइडेंस हमें क्या बता रही हैं, एंजल्स इस पूरे फोर्टनाइट में मेरी हेल्प किस तरह करना चाहती हैं। मैं अपनी प्रॉब्लम्स अगर सोचूं तो उसके लिए फर्स्ट साइन सेज लुक फॉर अ साइन, सेकंड कार्ड सेज लेट गो, एंड द थर्ड कार्ड सेज विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। वाओ, व्हाट अ मैसेज। सी, यहाँ पे बोल रहा है लुक फॉर अ साइन, कोई भी प्रॉब्लम है एंजल्स आपके साथ हैं, जस्ट लुक फॉर अ साइन और अपने उस पेन को, अपने उस फेलियर को, अपने उस डिसबिलीफ को लेट गो कर दीजिए और विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज यू विल सी अ न्यू यू, अ ट्रांसफॉर्म्ड यू। तो ये हमारे पास एंजल गाइडेंस थी फॉर दिस फोर्टनाइट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th of September टिल 25th of September। टिल देन खुश रहिए, आबाद रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।